श्रीगंगानगर के जनता अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है। जनता अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। महिला पक्ष का कहना है कि मृत्यु की वजह डॉक्टर्स की लापरवाही है। श्रीगंगानगर संवाददाता सुलविंदर कुमार ने बताया कि महिला के परिजनों का कहना है कि महिला को डिलीवरी के लिए जनता अस्पताल लाया गया था। करीबन 10 बजे के बाद महिला की डिलीवरी सफलतापूर्वक हो जाती है, लेकिन अचानक से महिला की तबीयत खराब होने लगती है। परिजनों का कहना है कि उन्हें बिना बताए डॉक्टर्स महिला का इलाज करने लगते हैं। अंतिम में उन्हें बताया जाता है कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि अगर अस्पताल वाले उन्हें सूचित कर देते तो हम किसी और अस्पताल में लेकर जाके महिला का इलाज करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संवाददाता सुलविंदर कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल के पास पुलिस और परिजनों का बड़ा गुट मौजूद है। श्रीगंगानगर की मेरा चौक रोड को बंद करवा दिया गया था। परिजन के समर्थन में करीबन 100 से अधिक लोग अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं। श्रीगंगानगर प्रशासन से सीओ सिटी अरविंद कुमार, एसडीएम मनोज कुमार, एएमआई के सचिव हरीश रहेजा, अध्यक्ष सुभाष रजोतिया, डॉक्टर दर्शन आहूजा, विकास गोड़ सहित अनेक डॉक्टर भी वहां मौजूद हैं। परिवार और हॉस्पिटल के बीच वार्ता चालू है, पर महिला के परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज 13।